नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं फ्री में सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 3D फोटो एडिटिंग के बारे में फिर से। हालांकि इस बारे में मैंने और भी वीडियो बनाई हैं और आज हम फिर से 3D फोटो एडिटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। ये किस तरह से आप कर सकते हैं, कैसे आप इसको अपने कंप्यूटर में कर सकते हैं, ठीक है। तो एक मैंने फ़ोटो कैप्चर किया है अपना, उसको जो है मैं यहाँ पर यूज़ में लूँगा और एक कैमरा यूज़ में लूँगा, आपको एक अच्छा सा फोटो लुक बना के दिखाऊँगा। तो वीडियो ये जो वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है, लेकिन इतनी लंबी नहीं होगी। इस वीडियो को जो तो फिर भी लास्ट तक देखें, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपका कोई कमेंट्स है तो कमेंट्स करके बताइएगा, मैं आपको जो वीडियो बना के दे दूँगा जो भी आप चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि टॉपिक ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, टॉपिक अगर मिल जाता तो बहुत ईजिली हम वीडियो अपलोड कर देंगे बना के, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आ चुके हैं हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज हम बात करने वाले हैं 3D फोटो एडिटिंग के बारे में फिर से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो है कुछ फ़ोटो लिए हैं, एक फ़ोटो कैप्चर किया आपने, और जैसे कि आपको पता है कि मैं फोटोशॉप CS2 का इस्तेमाल करता हूँ, यूज़ करता हूँ, तो मैं उसी में फिर से एडिटिंग करूँगा। मैंने एक फ़ोटो लिया है ये, ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको फ़ोटो दिखाया है बीच में स्टार्टिंग करने से पहले, वैसा हम एडिट करने वाले हैं। तो और एक फ़ोटो लिया है मैंने ये, ठीक है, ये इसमें हम क्या करेंगे, इसको एडिट करके, यानी कि इसके अंदर इस फोटो को जो है हम यहाँ पर लाएंगे और इस बटन पे क्लिक करेंगे, इस उंगली को, यानी कि इस उंगली को यहाँ पर लाएंगे, ठीक है। 3D लुक में इसको चेंज कर देंगे हम। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो देखिए दोनों को डुप्लीकेट मैंने बना ली है, ओरिजिनल दोनों फाइल क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तो अभी क्या है, डुप्लीकेट कैसे बनाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। इस फोटो, इस फाइल को सेलेक्ट करेंगे, इस तरह यहाँ पर आएंगे और ऑल्ट के साथ जो है ID दबा देंगे, तो या फिर राइट क्लिक करके डुप्लीकेट यहाँ से ओके करके डुप्लीकेट ले सकते हैं, ठीक है। तो डुप्लीकेट कैसे बनाते हैं, ये तो सिंपल है। अब स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से जो है, हम सबसे पहले एक नई फाइल लेंगे, ठीक है, Ctrl+N करके। मैं यहाँ पर 8-10 की फ़ाइल ले रहा हूँ और मैं इसको, इसका साइज़ थोड़ा चेंज कर दूँगा, यहाँ पर कर दूँगा मैं 8 और यहाँ पर कर दूँगा मैं 10, ठीक है, ये ठीक है, ओके। तो अभी क्या है, हमें ये वाला जो फ़ोटो है ये वाला उठा के ला के यहाँ पर रखना और यहाँ पर इसको हम बड़ा कर लेते हैं। सिंपली मूव टूल से मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, कभी आप कन्फ्यूज़ हो जाएँ कि ये मैंने क्या किया है, ऐसा नहीं है कुछ भी, बहुत ही ईजीली आप इसको जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो है मैं पहले जो बाहर का पोर्शन आ रहा है मैं इसको डिलीट कर दूंगा, ठीक है, अब खाली कैमरा रह गया। अब हम बात करते हैं इस फोटो की, इस फोटो को उठाकर लेकर आएंगे यहाँ पर ड्रैग करके यहाँ से यहाँ लेकर आएंगे, ठीक है, ओके। अब इसको ऐप से आप जो है बड़ा कर सकते हैं, जो लोग मेरी वीडियो को फॉलो करते हैं वो जानते हो, जो नहीं जानते वो आप जो है इसको F दबा करके, जब F दबाएंगे ये देखिएगा तो ये फुल डिस्प्ले पर और छोटी डिस्प्ले पर और ब्लैक डिस्प्ले पर आ जाता है। तो ये अब फोटो इसके अंदर आ चुका है। अब हम कैसे एडिट करेंगे इसको, लेकिन नम लॉक के नीचे जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये बटन होते हैं, ये इसकी ओपेसिटी को हम इससे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं 1 दबाऊँगा तो ये कितनी कम ओपेसिटी होगी, 2 दबाऊँगा, 3 दबाऊँगा, 4 दबाऊँगा, 5 दबाऊँगा, 6 दबाऊँगा, 7 दबाऊँगा, 8 दबाऊँगा, 9 और 0 पर जब 0 दबाएंगे तो फुल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फ़िलहाल 5 दबाया है ताकि मैं बैकग्राउंड को भी देख सकूँ और साथ में देख सकूँ फ़ोटो को भी जो हम एडिट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं कुछ ये करने वाला हूँ, यहाँ पर जो है मैं इस फ़ोटो को लगाऊँगा, तो ये यहाँ पर ये देखिएगा, आप उंगली देख लीजिएगा बटन पर आनी चाहिए, ये ठीक है, ओके आ गई। अब जो है हम इस फोटो की कटिंग कर लेंगे। अगर आपको कटिंग करना नहीं आता तो आप सिंपली जाइए यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा हाउ टू यूज़ पेन टूल बाय फ्री में सीखो, तो आपको कटिंग करनी आ जाएगी, उस वीडियो को देख लेंगे आप। तो पेन टूल सेलेक्ट किया अब हमने और हम कटिंग करेंगे इसकी, कैसे करेंगे देखिएगा। हमें जो है पोर्शन लेना है, ओके, ये ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कटिंग करना, यहाँ से, ठीक है, ये ओके, ये ठीक है,
ओके, यहाँ से जो है हम स्टार्ट करते हैं, और धीरे धीरे जो हम इसकी जैसे जैसे हम इसी 3D लुक में चेंज करना है वैसे वैसे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से ये थोड़ा सा इसका जो है मैं ओपेसिटी बढ़ाऊंगा ताकि मुझे अच्छे से दिखे, दिख नहीं रहा था, ये 4 पे कर देता हूँ। ठीक है, और अब जो है मैं इसको सिंपल तरीके से कट करूँगा, आप देख लीजिएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है यार, बस कुछ ही मिनट का काम है। मैंने कुछ वीडियो में पहले ही बताया है, बहुत इजीली मैंने समझा दिया है। ये वीडियो भी मैंने एक 3D लुक में लगा फोटो को, मैं उसके लिए जो है ये कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से जो है पूरा आप जो अपना जो भी अपना फोटो है वो आप उसको कट कर लेंगे इस तरह से, जैसे मैं कर रहा हूँ। फिर से बोल रहा हूँ, जिनसे कटिंग नहीं आती है पेन टूल से, वो लोग जा सकते हैं, मेरी वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू यूज़ पेन टूल वाइफ फ्री में सीखो, सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो आ जाएगी वीडियो। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरह से जो है मैं इसको पूरे को कट कर लूँगा। देख लेते हैं कुछ अगर आगे आ रहा है तो जो है हम उसको भी ले लेंगे। तो ये देखिए यहाँ से लेकर, हाँ ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इस तरह से ओके ओके। ठीक है, अभी जो है अब हम यहाँ से लेंगे इसको इस तरह से, ध्यान से आपको ये ध्यान रखिएगा कट करना है, क्योंकि कोई भी अगर हमने गलत कट कर दिया तो वो दोबारा से मेहनत करनी पड़ सकती है, इसीलिए बहुत ध्यान से कटिंग कीजिएगा। यही है वैसे जिसमें हमें ध्यान देना है, ये देखिएगा इस तरह से, इस बटन पे भी हम इसको ले आए। ओके, थोड़ा समय लग सकता है कटिंग करने में, क्योंकि बहुत ही बारीकी से कटिंग करनी पड़ेगी इसकी हमें, इस फोटो की, तो आप थोड़ा समय लग सकता है, बट इतना नहीं लगेगा, आप जो है बहुत इजीली आप समझ जाएंगे। अब देख लेते हैं, तो ये देखिएगा यहाँ पर ये डिस्प्ले जो आ रहा है यहाँ से आ रहा है शायद, इसको हम थोड़ा डल कर लेते हैं, और यहाँ से ये ओके ओके ओके। ठीक है, ये सॉरी थोड़ा सा नीचे से, ये ओके, ये हमने ओके, हम उसको कंट्रोल के साथ एंटर कर देंगे। ठीक है, अभी जो है अब हमने ये कट कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको पूरा खोल लेंगे, ज़ीरो दबा देंगे। ठीक है, अब हम इसमें फ़ायदा देंगे, मैं इसमें 2 का फ़ायदा दूंगा और एंटर कर दूंगा, और अब मैं कंट्रोल शिफ्ट आई दबाऊंगा। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आई दबा के अब इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है यहाँ पर, और ये जो फोटो है हमने इसको 3D में चेंज कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि बंदा कैमरे से निकल के जो है इसको बटन को दबा रहा है। ठीक है, अब जो है हम इसको लाइट कर सकते हैं, कंट्रोल एम करके लाइट करेंगे, क्योंकि डार्क बहुत दिख रहा है, और थोड़ा सा मैं इसमें ब्लू भी बढ़ाऊंगा थोड़ा सा, और मेरे को फेस और हाथ जो है कुछ ज़्यादा ही जो है यहाँ पर डार्क दिख रहे हैं, तो मैं उनको लाइट करूँगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह से सेलेक्ट करके इसमें फायदा नहीं किया, तो यहाँ से मैं इसको लाइट करूँगा। ओके, थोड़ा सा मैं इसके अंदर ब्लू भी बढ़ाऊँगा, बाकी तो मैंने फिनिशिंग करने बताया है, फिनिशिंग कैसे करते हैं एक वीडियो में आप जो है जाके देख सकते हैं, वीडियो सेक्शन में जाइएगा मेरे चैनल के, और आपको इजीली वहाँ पर वीडियो सेक्शन में जाके आपको पता चल जाएगा आप कैसे क्या कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियो हैं यार, देख लीजिएगा, और बहुत सारी वीडियो आगे आने वाली भी हैं, अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, हो सकता है आपके फ्यूचर में काम आ जाए कहीं ना कहीं, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले, तो सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और मैं यहाँ पर ये ओके, ये मैं फिनिशिंग कर रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे मैं क्या क्या कर रहा हूँ, ये फिनिशिंग कर रहा हूँ, फिनिशिंग करनी मैंने एक वीडियो में बताई है, आप जो है वहाँ पर जाके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये जो है ओके, ठीक है,
अगर अब हम चाहते हैं इसमें बैकग्राउंड चेंज करना है इसके पीछे भी, तो बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, कुछ भी डाल सकते हैं। मैं तो मैं ये डाल देता हूँ, ठीक है। नहीं ये नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा। एक्चुअली मैं ये डाल देता हूँ पहाड़। ठीक है, ओके। 3 नंबर पे, ठीक है। बैकग्राउंड को थोड़ा ब्लैक कर देते हैं, अगर ब्लैक पे थोड़ा सही लगे शायद। नहीं ठीक है, तो ये 3D फोटो लुक बन गया है। इस तरह से आप 3D फोटो एडिटिंग कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो इस वीडियो से तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। और कोई अगर आपका टॉपिक है तो प्लीज़ बता दें, क्योंकि टॉपिक ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है हमारे लिए भी, इसलिए आप टॉपिक बता दें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।